प्रेसवार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में ये एक्सेप्ट किया है कि पिछले 9.5 साल में हरियाणा के अंदर वो कोई काम नहीं कर पाए, लोगों को अपनी नीतियों से प्रभावित नहीं कर पाए और मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर जी पूरी तरह से फेल साबित हुए। इसलिए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि उनको पता था कि सरकार से इतनी नाराज़गी है, मुख्यमंत्री से इतनी नाराज़गी है लोगों में कि लोकसभा चुनाव परिणामों में वो नाराज़गी साफ नज़र आएगी, इसलिए लोगों को भ्रमित करने के लिए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को हटा करके नायब सैनी जी को उनकी जगह पर मुख्यमंत्री बनाया गया। जब बीजेपी के प्रवक्ता टीवी डिबेट्स पर बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो इसका मतलब उन्होंने ये स्वीकार किया कि काम के आधार पर, प्रतिष्ठा के आधार पर मुख्यमंत्री परिवर्तित नहीं किए गए हैं, बल्कि जाति के आधार पर मुख्यमंत्री को बदला गया है। और इसलिए जातिगत राजनीति का सहारा भारतीय जनता पार्टी ने लिया, क्योंकि काम उन्होंने 9.5 साल में किया नहीं था। लेकिन जो कुछ नायब सैनी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद देखने को मिल रहा है वो बहुत ही सरप्राइजिंग है, हम लोगों के लिए बहुत शॉकिंग है कि कैसे संविधान को ताक पर रखकर एक सुपर सीएम, मनोहर लाल खट्टर जी सुपर सीएम की तरह एक्ट कर रहे हैं। उनके पास इस वक्त कोई संवैधानिक पद नहीं है, विधानसभा से वो हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का नाम था, जो मुझे लगता है मुख्यमंत्री पद के साथ साथ किसी व्यक्ति विशेष का भी अपमान था। सुपर सीएम बनकर के स्टैंप, रबड़ स्टैंप सीएम बनाने की कोशिश नायब सैनी जी को की जा रही है। मुझे लगता है कि ये एक वर्ग विशेष का अपमान भी है, ये एक संवैधानिक पद का अपमान भी है। और भारतीय जनता पार्टी रिमोट कंट्रोल से हरियाणा का पूरी सत्ता और पूरी सरकार चलाना चाहती है, जो बेहद आपत्तिजनक है। इस पर भारतीय जनता पार्टी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि मनोहर लाल खट्टर जी किस हैसियत से, उनका नाम उस पट्टिका के ऊपर लिखा हुआ था, मुख्यमंत्री के ऊपर लिखा हुआ था, मुख्यमंत्री के ऊपर सुपर सीएम की तरह कैसे बिहेव कर रहे हैं किसी संवैधानिक पद पर ना होते हुए भी। इस पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरी तस्वीर देखने को मिली कल ही, जिसका बखान सोशल मीडिया पर मौजूदा मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, इसराइल जाने वाले कुछ बच्चों से मुलाकात की, उसमें भी दोनों लोग मौजूद थे। मुझे नहीं पता कि नायब सैनी जी मुख्यमंत्री के तौर पर अगर उन बच्चों से मिल रहे थे जिनको हरियाणा सरकार की किसी योजना के तहत इसराइल भेजा जा रहा है तो समझ में आता है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी विशेष अतिथि के रूप में उस मीटिंग के अंदर कैसे मौजूद थे वो मुझे तो समझ आया नहीं। लोगों को ज़रूर समझना चाहिए, हरियाणा के लोगों को, कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इसराइल में युद्धग्रस्त इलाके में हरियाणा के बच्चों को मौत के मुंह में फेंक करके भारतीय जनता पार्टी अगर उसको एक इवेंट बनाना चाहती है तो हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, सरकारी पद खाली पड़े हैं, उन पदों पर हरियाणा के युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, लेकिन उनको मौत के मुंह में युद्धग्रस्त इसराइल में भेज करके अपनी पीठ थपथपा रही है। एक तरफ हमारे युवाओं के लिए हरियाणा में रोजगार नहीं है, देश में रोजगार नहीं दे पा रही है भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नया कानून लेकर के आई है जिसके तहत पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी घुसपैठियों को हिंदुस्तान में बसाने की नीति लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी। इतनी हिम्मत बढ़ा दी है पाकिस्तानी घुसपैठियों की कि वो वो देश में, दिल्ली में चुने हुए मुख्यमंत्री के घर के बाहर कल परसों प्रदर्शन करते नजर आए। पाकिस्तानी घुसपैठिए दिल्ली में खुलेआम प्रदर्शन और हुड़दंग कर सकते हैं, लेकिन भारत देश के, हरियाणा के, पंजाब के किसान अगर दिल्ली जाकर के MSP की मांग करना चाहें तो वो नहीं जा सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नई नीति है जिसमें पाकिस्तान के प्रति उनका प्यार नज़र आ रहा है और जिसमें हमारे युवाओं के प्रति, हमारे किसानों के प्रति उनकी नफरत नज़र आ रही है कि हमारे युवाओं को देश में रोजगार नहीं। और जो लाखों करोड़ों पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को भारतीय जनता पार्टी देश में बसाएगी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनको रोजगार कहाँ से देंगे, उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ कहाँ से करेंगे।
उनके घरों का जुगाड़ कहां से करेंगे, क्योंकि अपने लोगों को तो दे नहीं पा रहे हैं। अपने लोग जाएं युद्धग्रस्त इसराइल में मरने के लिए और पाकिस्तानियों को देश में ला करके बढ़िया सुविधाएं दे करके, उनको मकान दे करके, उनको नागरिकता दे करके अपने सिर पर बिठाएं, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। ये दोहरी नीति भारतीय जनता पार्टी की उनकी पोल खोलती है। और अगर पाकिस्तानियों को सबक सिखाना चाहते हैं तो इस बार देश के लोग, भारतीय जनता पार्टी जो उन पाकिस्तानियों के साथ खड़ी है, उसको भी लोकसभा चुनाव के अंदर सबक सिखाएंगे। 10-0 से हरा करके भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से भेजें। आज इंडियन नेशनल लोकदल ने एक सशक्त उम्मीदवार उतारा है मैदान में, कुरुक्षेत्र के अंदर, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो लगता है कि जब हम कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ने के लिए आ रहे थे तो हमको मालूम था कि ये धर्म युद्ध है, और कुरुक्षेत्र में कैसे कैसे चक्रव्यूह रचे गए उसका आप सबको पता है। तो इसका एक, जब हमने कुरुक्षेत्र सीट चुनी और यहाँ से अपने उम्मीदवार खड़े किए, उसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। हमें पता था कि ये धर्म युद्ध होने वाला है, हमें पता था इसमें धर्म एक तरफ होगा और सारे अधर्मी एक तरफ जुड़ेंगे। तो इसलिए मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्ड्स के जरिए अलग अलग सिंबल लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट्स चुनाव मैदान में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर नाचने वाली बहुत सी कठपुतलियाँ इस चक्रव्यूह में अलग अलग द्वार पर खड़ी होंगी, हमारा शिकार करने की कोशिश करेंगे, हमें चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें भी आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ये चक्रव्यूह तोड़ना, जो मॉडर्न जमाने के जो अर्जुन है अरविंद केजरीवाल जी, उनको ये चक्रव्यूह तोड़ना अच्छे तरीके से आता है। वो इस चक्रव्यूह को धराशायी करेंगे, इन सारी कठपुतलियों को इनकी सही जगह दिखाएंगे और सीधा चुनाव इस बार पूरे देश में, पता है कि इस बार आर पार की लड़ाई है, सीधा चुनाव इंडिया गठबंधन वर्सेज भारतीय जनता पार्टी है। जो लोग देश में संविधान का राज चाहते हैं, जो लोग देश में आज़ादी बरकरार रखना चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं, वो इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। जो तानाशाही लाना चाहते हैं देश में, देश को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। धर्मयुद्ध की बात कर रहे हैं कि पांडव धर्मयुद्ध तो पांडव और कौर में, तो आप पांडव और कौर किसको डिफाइन करेंगे? देखिए, वो तो हमने बता ही दिया कि आज के ज़माने के अर्जुन अगर अरविंद केजरीवाल जी हैं तो फिर पांडव कौन है उसका अंदाज़ा आप लगा लीजिए। और जो उस सेना के खिलाफ खड़े हुए हैं वो कौरव कौन है वो भी बताना कोई बड़ी बात नहीं, वो भी आप एनएलओ की तरफ से अभय सिंह चौटाला आ चुके हैं, आपकी तरफ से सुशील गुप्ता जी हैं इंडिया गठबंधन के, नवीन जिंदल का नाम बड़ा चर्चा में है, तो कहां देखते हैं हम इंडिया गठबंधन? देखिए, ये तो भारतीय भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। इसी में आम आदमी पार्टी की कामयाबी है कि एक सीट हमको हरियाणा के अंदर मिली और आने वाले समय में आपको ऐसा लगेगा कि हरियाणा में एक ही सीट पर चुनाव हो रहा है। सारे चारों तरफ से सारी ताकत, सारी पार्टी इस बात पर झोंकेगी कि किसी भी तरीके से कुरुक्षेत्र के अंदर आम आदमी पार्टी ये चुनाव न जीत पाए। इसके लिए बहुत सारी ताकतें इकट्ठा होंगी, हमें पता है और भारतीय जनता पार्टी को भी ये एहसास है कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी का खात्मा इस देश से आम आदमी पार्टी करने वाली है। इसलिए आम आदमी पार्टी के हर बढ़ते हुए कदम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी साजिशें करती है। कम से कम इतनी कामयाबी तो आप हमारी मानिए कि नायब सैनी जी यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार थे, यहाँ से उनको दोबारा लोकसभा में ना उतारना पड़े इसके लिए उनका प्रमोशन हो गया, मुख्यमंत्री बना दिया कि कोई बहाना तो मिले। अदरवाइज तो 3 महीने पहले 4 महीने पहले उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था। कोई पार्टी जब किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो बहुत सोच समझ के बनाती है, एक लंबे समय के लिए पूरे प्रोसेस को कैसे वो बनाएंगे, कैसे संगठन बनाएंगे वो देख करके बनाती है। आज देश का संविधान खतरे में, और अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बार ये कहा है, पाएंगे ना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ पाएंगे, ना किसी भी तरीके का संघर्ष लोकतंत्र में कर पाएंगे। इसलिए उस लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए ये इंडिया गठबंधन बनाया गया है। देश सर्वोपरि है, ये लड़ाई देश को और संविधान को बचाने की है। जब देश बचेगा, जब लोकतंत्र बचेगा, तो ही स्पष्ट तरीके से चुनाव देश में हो सकेंगे और उन्हीं चुनावों के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी जा सकेगी और सारी लोकतांत्रिक लड़ाइयां भी लड़ी जा सकेंगी। थैंक यू जी।